हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नई रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि है बादाम का हलवा। वाओ, बादाम का हलवा सुन के कितना यम्मी लग रहा है, मुंह में तो पानी आ गया अभी से ही। वैसे भी अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो यही सोच के मैंने ट्राई किया, तो अपना ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और ज़रूर ट्राई करें इसे, और अपना कमेंट चैट बॉक्स में शेयर करें। तो चलें जल्दी से बनाते हैं अपना यम्मी सा हेल्दी सा बादाम का हलवा। बादाम का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बादाम भिगोना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ये बादाम, लगभग 200 ग्राम बादाम है, इसको मैंने रात में भिगो के रख दिए थे। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है, अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाना, तो आप इसको गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के भी बना सकते हैं। बट मेरा ये प्लानिंग है, मुझे बनाना है, इसलिए मैंने रात को भिगो दिए थे। अब हम इन बादाम को छील के रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने बादाम को छील के रेडी कर लिया है। अब हम इसको मिक्सिंग जार में डाल के इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम इसको जार में डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और दूध ऐड करके इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसको पेस्ट कर लिया है। हमें इसको इस तरीके का पेस्ट तैयार करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लिया है हमने। अब हमने एक कढ़ाई रख दिया है गैस पे, अब इसको गरम कर लेंगे और गरम करके इसमें एक कटोरी घी डाल देंगे, देसी घी। ये घी हमारा मेल्ट हो गया है, हल्का गरम भी हो गया है। अब हम इसमें जो पेस्ट तैयार करके रखा था बादाम का, वो ऐड करेंगे। ये हमने अपना पेस्ट घी में ऐड कर दिया है। अब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे। इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा जो ये पेस्ट है वो चिपक जाएगा, जल जाएगा। तो इसे हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है और लो फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखिए, हमारा जो इसमें पानी था वो ड्राई होता जा रहा है धीरे धीरे। हमें ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए इसको धीमी आँच पे पकाना है। जब हमने घी डाला था तो लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा घी है, बट आप देख सकते हैं कि पूरा घी अब्सॉर्ब हो गया है। इस टाइम पे, इस स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि घी शायद कम है, बट नहीं, जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो जो घी है वो अपने आप सेपरेट होने लग जाएगा। आप देख सकते हैं किनारे में धीरे धीरे घी सेपरेट होने लग गया है। तो थोड़ा सा हमें ऐसे और पकाना है जब तक थोड़ा इसका कलर चेंज ना हो जाए। या देखिए, यह हमारा जो पेस्ट है ये धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है कढ़ाई से। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी, ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये सेपरेट होने लग गया है, इसका मतलब ये ड्राई हो रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे इस पेस्ट का कलर चेंज होने लग गया है, धीरे धीरे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। अब देख सकते हैं ये पूरा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। वाओ, अब तो बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई है, अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब हम इसमें ये एक कटोरी दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके हमें इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है। ये आप देख सकते हैं दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। ऑयल भी हमारा, जो घी है वो सेपरेट होने लग गया है किनारे किनारे से। ये देख सकते हैं आप कि हमारा घी निकलने लग गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब एक कटोरी, छोटी कटोरी से चीनी ले लिया है हमने, अब इसको हम ऐड कर देंगे। क्या आप देख सकते हैं, मैंने 2 चम्मच दूध ले लिया था, इसमें एक केसर के लेसेस डाल दिए थे, इसको भी हम ऐड करेंगे इसमें। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, सब अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा हलवा भी लगभग रेडी हो गया है। बस 2 मिनट और हम इसको पकाएंगे।
बट इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, हमें हिलाना बंद नहीं करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें पिस्ता ऐड करेंगे। पिस्ता ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया, घी भी हमारा सेपरेट होने लग गया है। इसका मतलब हमारा ये हलवा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है और दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हमारा ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारा हलवा रेडी है। इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, थोड़े से पिस्ता डाल देंगे इसके ऊपर से। अब हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। वाह, यम्मी हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, बादाम का हलवा हमारा। आपको भी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें अपना कमेंट, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।